प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में मिलेगा सम्मान। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए बना साइकैप्स पोर्टल। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। और नवरात्रि में सड़क पर पंडाल लगाने पर होगी कार्रवाई। डोंगरगढ़ में रुकेंगी 8 यात्री ट्रेनें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेजी से समस्याओं के स्थायी समाधान में एक नेता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन से लेकर जीवन शैली जैसे कार्यों में अग्रणी है। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से आयोजित राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और पारिस्थितिकी को लगातार मजबूत कर रहा है। कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और आर्द्र भूमि का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शेर, बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे और तेंदुए की संख्या बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने चीतों का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह आतिथ्य सत्कार का एक उदाहरण है। नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक का पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विमोचन किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक इस पुस्तक में नए भारत के बारे में प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि इस पुस्तक में मोदी सरकार के विचार, संकल्प और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कहा कि सुधार और सुशासन इस सरकार के मंत्र हैं जिन्होंने लोगों के जीवन का कायाकल्प कर दिया है। Progenitor of some profound philosophies that sought to enrich the understanding of the cosmic universe and the man, the relationship between the Brahman and the soul and the spiritual salvation through the unity of the Brahman and the soul and ultimate destiny. Friends, India is an ancient civilization. More ancient than many of the civilizations. But the speciality of this civilization is, though there are ancient civilizations like Greek, Athens, Roman, Egypt and others, but ours is a civilization which is thriving even today, dynamic, appealing even today. See what has happened to other civilizations. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पुस्तक में महिलाओं और सीमांत वर्गों के प्रति चिंता दिखाई गई है।
विमोचन समारोह में सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने इस समारोह का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक बार फिर पूरे देश में अपना डंका बजाया है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ईस्ट जोन के जिलों में दुर्ग दूसरे और बालोद तीसरे स्थान पर है। ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। प्रदेश को इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन पुरस्कारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन की राज्य टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन में हर साल अच्छा काम कर रहा है। इन अच्छे कामों की बदौलत प्रदेश को प्रतिवर्ष शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य की स्वच्छ भारत मिशन टीम अपने अच्छे कार्यों को आगे भी जारी रखेगी और छत्तीसगढ़ देश के सबसे साफ सुथरे राज्यों में शुमार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेवा पखवाड़ा मना रही है। कोरबा में भी भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। पूर्व महापौर जोगेश लांबा ने बताया कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत कोरबा में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर सहित वाहन स्टैंड और पार्किंग में सफाई अभियान चलाया। कोरबा नगर मंडल द्वारा रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग है ये बहुत कचरा पत्ते प्लास्टिक अन्य ऐसा पूरी गंदगी थी। इसको इस बार हमने चयन किया है कि पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ हो क्योंकि आने जाने वाले लोगों को गंदगी ना लगे, इसको लेकर ये अभियान आज किया है। उल्लेखनीय है कि देश भर में 17 सितंबर से देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके जरिए स्वच्छता अभियान के साथ ही रक्तदान और अन्य सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए साइकेप्स पोर्टल विकसित किया गया है। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में इस पोर्टल के संचालन के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता ने साइबर अपराध के अत्यधिक वृद्धि के प्रति चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसके निवारण हेतु साइकेप्स पोर्टल की सराहना करते हुए पोर्टल में उपलब्ध टूल्स को समझते हुए इसके प्रभावी उपयोग की जानकारी दी। प्रशिक्षण में तेलंगाना पुलिस के स्पेशल सेल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह ने पोर्टल के संचालन के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग और धर पकड़ हेतु साइकेप्स पोर्टल विकसित किया गया है जो विभिन्न डेटाबेस जैसे NCRP साइबर सेफ और CCTNS इत्यादि से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल में समस्त जिलों का लॉगिन ID बनाया गया है ताकि जिला स्तर पर समस्त इकाई को पोर्टल का एक्सेस प्राप्त हो सके। कोरोना से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 217 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई और इसी अवधि में 6000 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। वर्तमान में 45,281 रोगियों का इलाज चल रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में अब तक 89,30,00,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। कल 3,20,000 नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 203,42,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 73 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.04% है। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 562 है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर ने सभी जिला कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के सेकेंड डोज के साथ प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सहारा कंपनी के निवेशकों की रकम वापसी का सिलसिला राजनांदगांव जिले में शुरू हो चुका है। इसके तहत 3 दिन में ही 105 से अधिक निवेशकों को उनके पैसे वापस किए गए हैं। वहीं अन्य निवेशकों के दस्तावेजों का सत्यापन का सिलसिला तहसील कार्यालय में जारी है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बाकी निवेशकों को भी पैसे वापस किए जाएंगे। तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि सहारा क्रेडिट और सहारा क्यू शॉप के निवेशकों के खाते में 2 दिन में ही 1,74,000 की राशि डाली गई। बाकी निवेशकों का सत्यापन के पश्चात उनके खाते में भी राशि डाली जाएगी। कलेक्टर महोदय से सहारा निवेशकों की सूची सत्यापन के बाद प्राप्त हुआ है। पहले प्रत्येक तहसील स्तर पर सूची मंगाई गई थी आवेदनों की स्क्रूटनी करके हमने भेजा था। फिर सहारा कंपनी को वो सूची सत्यापन के लिए भेजा गया था। सहारा कंपनी ने अपने अपने निवेशकों के खातों की इंक्वायरी करके उन्होंने सत्यापित सूची हमको दिया है। राजनांदगांव तहसील में 1,042 निवेशकों की सूची आई है। उसके पश्चात जिला से हमको लगभग 1,85,00,000 की राशि उनके खाते में अंतरण हेतु प्राप्त हुई थी। इसी अनुक्रम में प्रतिदिन एसटीएम सर, तहसीलदार, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे राजस्व की टीम, राजस्व निरीक्षक, सारे लोग अभी आवेदकों को बुला के कंटिन्यू दस्तावेजों के परीक्षण का काम कर रहे हैं। उनके खाते अकाउंट नंबर की भी हम जानकारी ले रहे हैं ताकि गलत खाते में जानकारी ना जाए, राशि ना जाए। बताया गया है कि जिले में अब तक 15,00,000,000 से अधिक की राशि चिटफंड निवेशकों को लौटाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 26 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए 90 से ज्यादा दुर्गा समिति आयोजकों की बैठक ली। रायपुर कलेक्टर ने आयोजकों से कहा कि सड़कों पर पंडाल नहीं लगाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के मुताबिक अब रात 10 बजे के बाद डीजे या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यदि कोई आयोजन समिति रास, गरबा या जगराता का आयोजन करती है तो इसके लिए एडीएम की अनुमति जरूरी होगी। इधर श्रद्धालुओं को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। नवरात्रि पर्व पर डोंगरगढ़ से गुजरने वाली 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज देने की तैयारी चल रही है। 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कुरला हटिया एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया गया है। वहीं गोंदिया दुर्ग मेमू लोकल को रायपुर तक चलाने का फैसला लिया गया है। इसी तरह हटिया कुरला एक्सप्रेस, पूरी जोधपुर एक्सप्रेस, जोधपुर पूरी एक्सप्रेस, बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, पूरी कुरला एक्सप्रेस, कुरला पूरी एक्सप्रेस ट्रेनें भी कुछ समय के लिए डोंगरगढ़ में रुकेंगी। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में मिलेगा सम्मान। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए बना साइकैप्स पोर्टल। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। और नवरात्रि में सड़क पर पंडाल लगाने पर होगी कार्रवाई। डोंगरगढ़ में रुकेंगी 8 यात्री ट्रेनें। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।